Hello everyone, welcome to Literary Passion. In the continuation of Indian English Literature Series, आज हम कमला मार्कंडे को देखेंगे. कमला मार्कंडे से जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे वो तो डिस्कस करेंगे ही. बाद में इनसे जो एसोसिएट राइटर्स हैं और जो टर्म्स हैं उसको भी हम देखेंगे. ठीक है, तो ये वाला जो सेशन है मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि नैट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपने टाइटल्स याद रखने हैं. एक नॉवल है इसमें जिसको हमने इनडेप्थ में करना होता है. ठीक है, बाकी का आपने सिर्फ टाइटल टाइटल याद रखना है. और एपी आरपीएससी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो तो फिर इन डेप्थ में देखना ही पड़ेगा, एक जनरल आइडिया लेना ही पड़ेगा हर एक नॉवल का. तो चार पांच पॉइंट्स हमने हर नॉवल पे देखना होता है. ठीक है, जैसे आप टाइटल देख रहे हैं कमला मार्कंडे. कमला के नाम से हमारे पास में दो बड़े राइटर हुए हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में. एक तो कमला दास हैं और दूसरा आप देख ही रहे हैं. ये कमला दास का जिस तरह से नाम है, दो नाम हम पढ़ते हैं, माधवी कुट्टी और उसके बाद में दूसरा एक नाम है उनका कमला दास का, कमला सुरैया. उसी तरह से कमला मार्कंडे के दो नाम आपको याद रखने होंगे, कमला पूर्णैया और कमला टेलर. एंड वी नो दैट कमला मार्कंडे वॉज बॉर्न इन 1924 एंड शी डाइड इन 2004. 1924 वाला डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आपको ये बता दूं कि 1924 में एक ईएम फोस्टर की राइटिंग आती है, ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया. और दूसरा 1924 में ही आई ए रिचर्ड, जिसको हम न्यू क्रिटिसिज्म का मेन प्रोपोनेंट मानते हैं, उनकी एक राइटिंग आती है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म या प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फिर उनका अच्छा, इसमें 1924 और 2004 ये जो लाइफ स्पैन है, सेम इंडियन एक राइटर है निसी मिजिकल, उनका भी सेम लाइफ स्पैन है. अगर 1924 के एक साल बाद की बात करें तो एक नोबल ल्यूरेट हुए, नोबल प्राइज विनर हुए हैं जीबी शो, जो ड्रामेटिस्ट हैं मॉडर्न में हम उसको पढ़ते हैं ब्रिटिश में. ठीक है, तो 1924 के आसपास की जो चीजें थी वो मैंने बताई हैं, उसमें आपने याद रखना है ईएम फोस्टर का ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है, और एक आई ए रिचर्ड का प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म. ये दो चीजें याद रखनी है. अभी ये कमला मार्कंडे है डायस्पोरिक राइटर में हम इसको पढ़ते हैं और फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर काफी रिसर्च हो चुके हैं, रिसर्च पेपर भी मिलेंगे, थीसिस पे मिलेंगे. ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है. इनके जो नॉवेल्स हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में काफी प्रेस्क्राइब्ड हैं. ये तो हुई इसकी एक ओवरव्यू. अभी नॉवल कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको सिर्फ नॉवल का नाम दिखाऊंगा. नेट एस्पिरेंट सिर्फ टाइटल याद रखना ही रखना है. ठीक है, तो इनका जो बेस्ट नॉवल आता है आप सब लोग जानते हैं, नेक्टर इन सीव, जो फर्स्ट पब्लिश नॉवल होता है इसका, डेब्यू नॉवल जिसको हम बोल सकते हैं. दूसरा इनका वर्क देख रहे हैं आप, जो सारे नॉवल जी हैं, सम, इनर फ्यूरी, ए साइलेंस ऑफ डिजायर, पजेशन ए नॉवल, उसके बाद में ए हैंडफुल ऑफ राइस, फिर है कोफर डैम्स, द नोवेयर मैन, नोवेयर मैन, टू वर्जिन, फिर है गोल्डन हनीकॉम, प्लेजर सिटी, और जो लास्ट वाला नॉवल है वो है बॉम्बे टाइगर. इस तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ टाइटल याद रखने हैं. अभी हम शुरू से देखते हैं कमला मार्कंडे को. डायस्पोरिक राइटर हैं, एलिनेशन की थीम हमें देखने को मिलेंगी, आइडेंटिटी क्राइसिस की थीम देखने को मिलेंगी, नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे अपनी कंट्री को लेके, मतलब जो एक्सपेट्रिएट हो जाते हैं, जो दूसरे कंट्री में जाके रहने लग जाते हैं और अपने नेटिव कंट्री के बारे में वो सोचते हैं, समझते हैं, उन चीजों को मतलब याद करते हैं और परेशानी महसूस करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को स्पेशली लेके, तो उसको हम डायस्पोरिक राइटर्स की कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है, अभी कमला मार्कंडे किस तरह के नॉवेल्स लिखती है और उसके नॉवेल्स में क्या क्या देखने को हमें मिलता है हम वन बाय वन देखेंगे. बेसिकली आपको बता दूं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न ये दो बड़े कल्चर हैं जो जनरली हम हर एक फिक्शन में देखते हैं, इनमें क्या क्लैश है वो बेसिकली कमला मार्कंडे अपने विमेन प्रोटैगनिस्ट के थ्रू बात करती है. बेसिकली विमेन है और कुछ मैन भी हैं इसके कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट में हम देखेंगे. ठीक है, तो अभी देखो, शी नोन फॉर राइटिंग अबाउट कल्चर क्लैश बिटवीन इंडियन अर्बन रूरल सोसाइटी, डीलिंग विद पोस्ट कोलोनियल थीम इन मॉडर्न इंडिया. हाउ वर कंसर्न द स्ट्रगल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन विद कॉन्फ्लिक्टिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वैल्यूज. हर नोवेल यूज ईस्ट वेस्ट टाइज एज कॉन्टेस्ट टू फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश कैरेक्टर्स. कल्चर इंट्रैक्शन इज यूजली प्रेजेंटेड फ्रॉम ए
वुमन वुमन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। इन स्पाइट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस द सेंट्रल वुमेन कैरेक्टर इमर्ज स्ट्रॉन्ग एंड रेसिलिएंट। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत सारे अलग अलग जगह से इन्होंने कैरेक्टर लिए हैं। वो कहाँ से देखो, पीजेंट से, जिसको हम बिल्कुल लोवेस्ट जो फार्मर होता है उसको बोलते हैं पीजेंट, उसके बाद में क्वीन, फिर प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूट्स, रूरल एंड सिटी ब्रेड्स, इंग्लिश ऑफिशियल इन इंडिया और इंडियन इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड। ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे इनके नॉवल्स में, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही याद रखना है कि क्लैश दिखाया है किसमें, ईस्टर्न में और वेस्टर्न के वैल्यूज में क्या होता है वो देखते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट जो इसका पब्लिश नॉवल है वो है नेक्टर इन ए सीव, जो 1954 में पब्लिश हुआ। आपको डेट या इसका ईयर याद रखना ही रखना है, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है बेसिकली। इट्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम वर्क विदाउट होप, एंड वर्क विदाउट होप इज अ पोएम रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिक एंड पोएट एस टी कोलरिज। जो आपको पता ही है कि एस टी कोलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन के जीते और सेपरेट किया था, पहला क्रिटिक ऐसा था इन्होंने दोनों चीजों को सेपरेट किया था, और जर्मन से लेके आते हैं जो ऑगस्टस श्लेगल ब्रदर के नाम से वहां पे राइटर हुए हैं, वहां से मेन आइडिया लेके आता है, ठीक है। तो उनकी ये पोएम है वर्क विदाउट होप, इसी से कमला मार्कंडे ने टाइटल लिया है नेक्टर इन ए सीव। अभी देखो, एन एक्सर्प्ट फ्रॉम पोएम इज द एपिग्राफ ऑफ द नॉवल। एपिग्राफ पता ही है, जो इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन का पार्ट तो नहीं होता है, उस टेक्स्ट का भी पार्ट नहीं होता है एपिग्राफ, मतलब एज इट इज कहीं से किसी भी टेक्स्ट से उठा के अपने टेक्स्ट में फर्स्ट में डाल दे, उसको हम एपिग्राफ बोलते हैं, राइट। एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम 2016 जो आरपीएससी कंडक्ट की थी, वहां से यही पूछा था कि वर्क विदाउट होप जो सैमुअल टेलर कोलरिज की पोएम है, तो कमला मार्कंडे ने कौन से वाले नॉवल में ये वाला टाइटल रखा था, लिया था, ठीक है। अभी इसका जो अगर टाइटल का सिग्निफिकेंस की हम बात करें, तो नेक्टर का मतलब लाइफ है और ऑब्जेक्ट का मतलब इस नॉवल में दिखाए गए चिल्ड्रन से है। मैं इसका टाइटल का सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा जब स्टोरी आप लोग को समझ में आ जाएगी। इसकी जो आप सेटिंग देख रहे हैं, इंडिया है, इंडियन पीजेंट्स नरेटिव है एक तरह से। नॉवल्स इंट्रोड्यूस मिलियन ऑफ रीडर टू रूरल लाइफ इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया एंड जमींदारी सिस्टम थ्रू द आईज ऑफ पीजेंट वुमन रुकमणी। रुकमणी यहाँ पे नरेटर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीयूजीसी नेट एग्जाम में, कौन नरेटर है करके, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है रुकमणी का। रुकमणी के थ्रू ही जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया था और जो जमींदारी सिस्टम थी, जमींदारी सिस्टम मतलब जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके अंडर में छोटे छोटे फार्मर और होते हैं, ठीक है, वो अपना एक कैसे सिस्टम रखते हैं, कैसे एक्सप्लोइट करते हैं वो सारी चीज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिया के जो पुअर क्लास या वर्किंग क्लास के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा नॉवल बेस्ड है। और नरेटर आप देख ही रहे हैं रुकमणी। रुकमणी क्या कहती है, शी नरेट्स हर लाइफ विद रेंटेड फार्मर नाथन। नाथन इनका हस्बैंड का नाम है और रेंट में रहते थे वो, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको डिस्प्लेस होना ही पड़ता था। हु वॉज पुअर इन एवरीथिंग बट इन लव एंड केयर फॉर मी हिज वाइफ हुम ही टुक एट द एज ऑफ 12। मतलब 12 साल की उनकी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में। अभी इसमें इतनी हार्डशिप्स, इतना एलिनेशन, इतनी प्रॉब्लम्स, प्रीडिकमेंट एक पीजेंट फैमिली को देखने को मिलती हैं इसमें, फिर भी पूरी की पूरी नॉवल में आप देखोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट तो हैं इनके। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ वो चिल्ड्रन को मानती है, क्योंकि बाकी सारे जो चिल्ड्रन थे इसके वो वन बाय वन करके मर जाते हैं। कुछ जो उनकी डॉटर थी ईरा नाम से, याद रखना उस कैरेक्टर का नाम ईरा, IRA, वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। एक बच्चा है वो मर जाता है, फिर उसके बाद में दूसरा है, उसके बाद सिर्फ एक सिंगल बच्चा रहता है लास्ट में, और वो भी लेप्रेसी इसको रोग होता है जिसको कुछ रोग बोलते हैं, उसी के साथ में वो आशा रखती है कि यही मेरा बच्चा है, मैं इसी के आशा के सहारे जी लूंगी। तो यहाँ पे वापस आइए, देखो इसकी जो पोएम की लाइंस ली गई हैं, वर्क विदाउट होप ऑलवेज ड्रोज नेक्टर इन ए सीव। काम मतलब बिना आशा के करना है और जीवन का आनंद लेना है। नेक्टर का मतलब ए हैप्पी लाइफ, यहां से समझ लो। नेक्टर का मतलब ऐसे स्वीट लिक्विड होता है जिसको हम सोमरस वगैरह बोलते हैं, और सीव का मतलब होता है यहाँ पे छलनी। छलनी मतलब जो
छालने वाली कोई भी चीज छान सकते हैं आप, लिक्विड लाइक टी देख लो या मिल्क देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीव है वो हार्डशिप है, प्रिडिकमेंट्स है, प्रॉब्लम्स है लाइफ लाइफ की, उसके अंदर भी अपने आप को अपने फैमिली में किस तरह से खुश रहने की कोशिश करता है। मतलब बाहर तो आसान नहीं है, बट इवन फिर भी वो आनंद लेना चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ को, डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है। एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव, और बिना ऑब्जेक्ट के हम आशा भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनका एक ही बच्चा बचा था, ठीक है, रुक्मणी और नाथन का एक ही बच्चा बचा था, तो लास्ट में वो ऐसे आशा रखती है कि हाँ मेरे पास में एक बच्चा है। तो ये इसका टाइटल का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। अभी इसमें एक करेक्टर आप और देखोगे, निंगटन करके एक मेडिकल मिशनरी होता है, ब्रिटिश होता है, उसके पास में ये रुक्मणी हेल्प के लिए जाती है, उसको जो भी डिजीज होता है उसके लिए। तो आपने ये दो करेक्टर, ये एक्चुअल में सिंपैथेटिक करेक्टर टाइप का दिखाया गया है इसमें, कि ब्रिटिशर भी थोड़े बहुत तो ऐसे होते हैं कि हाँ यार इंडियंस के लिए ये करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट नॉवल देखिए आप, सम इनर फ्यूरी, आपको ईयर याद नहीं रखना है इसको, तो इनर फ्यूरी। अभी यहां पे इनर फ्यूरी है किसका, फ्यूरी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, गुस्सा, हैट्रेड, एक्सट्रीम गुस्सा जिसको हम बोल सकते हैं। अभी वो किसके लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है। ये जो नॉवल की जो सेटिंग है वो इंडियन स्ट्रगल 1942 में जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गांधी जी बड़े लीडर रहे हैं उसमें, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं इस कैरेक्टर की, प्रेमला की, ठीक है। और हर क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड ऑटोनोमी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हर डिजायर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, मतलब उसको आजादी चाहिए तो चाहिए, इस तरह की इनर फ्यूरी थी। फ्यूरी किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अभी एक क्रिटिक हुए हैं श्रीनिवास अय्यंगर, उनकी ओपिनियन क्या है, शी इज सिंबॉलिक ऑफ मदर इंडिया हु इज कंपेशन एंड सफरेंस हु मस्ट इंडीड सफर ऑल हर्ट्स एंड सर्वाइव ऑल डिजास्टर। ये उनका स्टेटमेंट इसके बारे में, सम इनर फ्यूरी के प्रोटैगनिस्ट के बारे में दिखाया गया है प्रेमला, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नॉवल है वो है साइलेंस ऑफ डिजायर। इसमें कमला मार्कंडे क्या करती, कमला मार्कंडे एग्जामाइन विद रिगार्ड टू साइलेंस ऑन इशू ऑफ म्यूचुअल कंसर्न द थ्रीट टू द कॉन्जुगल ब्लिस ऑफ सरोजनी एंड दानेडकर हेड ऑफ मिडिल क्लास। सरोजनी, यहाँ पे सरोजनी को ट्रेडिशनल हाउसवाइफ दिखाया गया है, और इस नॉवल में ए मैरिज प्रोवाइड द सेटिंग फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे जो सरोजनी है सफरिंग फ्रॉम अल्सर, सिक मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट हर हस्बैंड्स नॉलेज फ्रॉम ए हिंदू फेथ लीडर रादर देन फ्रॉम ए डॉक्टर। अभी ये जो साइलेंस ऑफ डिजायर है, इसमें जो डिजायर तो है लेकिन डिजायर होने के बाद भी अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हो, ठीक है। इतनी पैट्रियार्की यहाँ पे दिखाई गई है, मतलब ऑपरेशन दिखाया गया है एक वीमेन का, उसको प्रॉब्लम होती है अल्सर की, फिर भी वो अपने हस्बैंड को ना बता के एक स्वामी करके कोई स्पिरिचुअल टाइप का हीलर है वहाँ पे वो ट्रीटमेंट लेती है। तो उसको क्या है, इसके हस्बैंड को, जो आप हस्बैंड का नाम देख रहे हैं, जो हस्बैंड है दांडेकर, ठीक है, उसको इसकी फिडेलिटी पे शक होता है, और आपस में इनकी जो डोमेस्टिक लाइफ है बड़ी डिस्प्यूटेबल हो जाती है। इस तरह की कहानी इसमें साइलेंस ऑफ डिजायर में दिखाई गई है। आपको स्टोरी याद नहीं रखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल याद रह जाए काम चल जाएगा। इसके बाद में देखो पजेशन ए नॉवल, इसका टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। ए वुमन डिजायर टू ओन द मैन एंड फॉरेन आइडेंटिटी एंड वैल्यू। अभी यहाँ पे पजेशन से मतलब ये है कि अगर हम इसकी स्टोरी देखेंगे तो स्टोरी में एक शेफर्ड होता है, वहां से उसको उठा के एक इंग्लिश वूमन इंग्लैंड लेके जाती है और उसको आर्टिस्ट बनाना चाह रही है, और वो चाहती है कि वो यहीं इंग्लैंड में रहे, मेरे ही अंडर में रहे, तो उसको अपने पास रखने से मतलब ही यहाँ पे पजेशन है। और पजेशन तो वो ही है ही, दूसरा पजेशन इसका मतलब ये निकलेगा कि जो आर्टिस्ट है जिसका नाम वाल्मीकि है, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज, अपनी इंडियन वैल्यूज रखना चाहता है। तो यहाँ पे पजेशन का मतलब दो है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें, और पजेशन ए नोवल एंड इट इज डेडिकेटेड टू हर फादर, ठीक है। ये जो कमला मार्कंडे है, इस नोवल को डेडिकेट किया है अपने फादर को। इसकी सेटिंग आपको दो जगह देखने को मिलेगी, इंडिया एंड इंग्लैंड। वेस्टर्न वैल्यूज आर मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक, इंडियन वैल्यूज आर ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल। ये दोनों अलग अलग अपोजिट, बाइनरी अपोजिशन हम देखते हैं ना, स्ट्रक्चरलिज्म वाले बोलते हैं, तो ये बाइनरी अपोजिशन ही एक तरह से,
एक तरफ ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल होंगे, दूसरी तरफ मॉडर्न एंड मेटेरियलिस्टिक होंगे वेस्टर्न वाले, उनके बीच में क्लैश है एक तरह से। कहानी क्या है इसमें कि एक इंडियन शेफर्ड होता है, वो एक आर्टिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वाल्मीकि जिसका नाम है, और उसको इंग्लैंड लेके जाया जाता है इस वुमन के द्वारा, कैरोलाइन बेल के द्वारा, ठीक है। और उसकी जो लाइफ है बिल्कुल डेस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इट डील विद द साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पजेशन इन द कोनेलियल कॉन्टेक्स्ट, ये आपको याद ही रखना है। पजेशन नाम का एक नोवेल आप और भी पढ़ेंगे, एक एएस बायट का वर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, बुकर अवार्ड मिला है उसको, आपने वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हैंडफुल ऑफ राइस, इट टाइटल सजेस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। हैंडफुल ऑफ राइस, एक मुट्ठी राइस का, और यहां से एक मुट्ठी राइस का मतलब किसको बता रहे हैं हम, इंडियन पॉवर्टी को, इंडियन पीपल की हंगर को बता रहा है, ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, लेनली सर्वाइव द प्रेशर ऑफ देयर डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल पोजिशन, ब्रुटेलिटी ऑफ हर हस्बैंड, नोवल शोज वुमन्स पावर ऑफ इंडोरेंस, पैशंस, इनऑब्जिस्टेबल लव, दिस अनफ्लिंचिंग फेमिनिन स्प्रिट अमोस द वीमेन इन द स्ट्रगल फॉर अ हैंडफुल ऑफ राइस, ये वाली कहानी है इसमें। बेसिकली आपने टाइटल याद रखना है। अच्छा, एक इसी नाम से लगभग मिलता जुलता आपने सुना होगा, ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, ठीक है। वो किसका वर्क है, एवलिन वो का, ब्रिटिश राइटर हैं, इनसे पहले की राइटर हैं ब्रिटिश में, 1900 आई थिंक 34 का उनका पब्लिकेशन है उस वर्क का, ए हैंडफुल ऑफ डस्ट का। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हैंडफुल ऑफ राइस इज रिटन बाई कमला मार्कंडे, एंड हैंडफुल हैंडफुल ऑफ डस्ट इज रिटन बाई एलविन वो, एंड हु वॉज ए ब्रिटिश राइटर। फिर आगे देखो कमला मार्कंडे का, द कोफर डैम्स, कोफर डैम्स बेसिकली, कोफर क्या होता है, जब हम शिप्स वगैरह देखते हैं उनका कोई काम चल रहा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप सी में कहीं भी आप देखोगे तो ऐसा स्पोर्ट बनाया जाता है जिसमें पानी नहीं होता, ठीक है। तो उस स्पोर्ट या उस स्पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डैम तैयार किया जाता है उसी को कोफर डैम्स बोलते हैं, ठीक है। वहां से फिर पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, अगर शिप का कोई पार्ट ठीक करना हो तो उसके ऊपर ले आओ और ठीक कर दो, इस तरह से ये कोफर डैम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें होता है कंस्ट्रक्शन को लेके होता है, कंस्ट्रक्शन में एक तरफ जो मालिक होंगे वो ब्रिटिश वाले होंगे, और जो बाकी हैं वर्कर्स होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। तो कोफर डैम इंडी की ये क्या बताता है, इंडियंस एंड ब्रिटिश कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू बिल्ड ए डैम अक्रॉस द टर्बुलेंट रिवर इन मलैंड। अभी मलनाड जो है, मलनाड ये आई थिंक ये मैसूर के आसपास में है, ठीक है। इसमें जो फॉर्म मैनेजर हम नाम देखते हैं फॉर्म मैनेजर का, वो है क्लिंटन, वो एक एक्सप्लोइटर होता है, एक्सप्लोइट ही करता है नीचे जो अपने तबके के नीचे लोगों को, और उनकी जो वाइफ है वो सिंपैथिक है, ये ट्राइबल एरिया था उनके। तो ये जब कोफर डैम बनता है तो लोगों की जो लाइवलीहुड थी उसके ऊपर तो पूरा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए हेलन तो ट्राइबल्स के प्रति रखती थी, सैम्पथी रखती थी, बट जो ये दूसरा है क्लिंटन वो नहीं रखता था। तो यहाँ पे भी क्लैश देखने को मिलेगा, सिर्फ आपने टाइटल याद रखना है, द कोफर डैम्स। फिर देखो द नोवेयर मैन, वे नोवेयर का मतलब कहीं नहीं है ऐसा आदमी, है ना, कहीं का नहीं रहा, मतलब कहने का मतलब एलिनेशन, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस लॉस होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट राइटिंग है ये। और इस वर्क की खास बात यह है कि सिर्फ ये एक ही जगह का इसका सेटिंग है, वो है लंडन, ओनली वर्क सेट इन लंडन, द मोस्ट पेसिमिस्टिक ऑफ ऑल हर नॉवल्स। श्रीनिवास जो श्रीनिवास क्या है, स्पाइस इंपोर्टर है, लाइफ इन लंदन, तो श्रीनिवास की लाइफ दिखाई गई है इस लंदन इस वर्क में। ए स्टोरी ऑफ लॉस एंड डिसइल्यूजमेंट, ट्रेजेडी ऑफ एलिनेशन, ही फेसेस रेसिज्म, नॉवल सेलेक्टेड सेलिब्रेट द प्लेटिनम जुबली ऑफ एलिजाबेथ 2। यहाँ पे रेसिज्म की थीम देखने को मिलेगी, अपनी लॉस देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी का डिसइल्यूजमेंट, ठीक है, एलिनेशन पूरा का पूरा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ टाइटल याद रखना है, नोवे मैन, टू वर्जिन, ये सारे जितने भी टाइटल आ रहे हैं सारे नेट में पूछे गए, एक दो को छोड़ के, ठीक है। टू वर्जिन भी पूछा गया था, नोवेयर मैन भी पूछा गया था, कोफर डैम भी पूछा गया था, हैंडवेल हैंडफुल और राइस भी पूछा गया है, सारे सिर्फ टाइटल पूछे गए थे आपसे। टू वर्जिन में दो आपको सिस्टर का नाम पढ़ेंगे इसमें, एक तो है सरोजा और एक है ललिता। सरोजा है वो ईस्टर्न ट्रेडिशन वाली है, ठीक है, और अपनी कंट्री जो लाइफ है, गांव की लाइफ है, उसको पसंद करना चाहती है, और वो क्या बनना चाहती है, एक रोल बनना चाहती है कि एक इंडियन वाइफ कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए, वो वाला रोल, एक मदर, इंडियन इंडियन मदर कैसी हो, वो वाला। तो और दूसरी तरफ है ललिता, वो वेस्टर्न कॉमर्शलाइजेशन में घुसी है,
सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा चाहती है एंड वो एक मूवी स्टार बनना चाहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये दो ही कैरेक्टर का नाम याद रखना है, और दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हैं उस, मतलब बाइनरी अपोजिशन है एक तरह से, एक दूसरे के अगेंस्ट में है, क्लैश हो रहा है। तो टू वर्जन में ये दो नाम आपने याद रखना है, सरोजा और ललिता को। नेक्स्ट वर्क है इनका द गोल्डन हनी कॉम, गोल्डन हनी कॉम डेडिकेटेड टू हर डॉटर, डॉटर को डेडिकेट हुआ कमला मार्कंडे ने, इनकी जो डॉटर थी उनको डेडिकेट किया गया है, राइट। हर फर्स्ट हिस्टोरिकल फिक्शन, इसका पहला ही हिस्टोरिकल फिक्शन है याद रखना है, और इनकी में जो दिखाया गया वो 1850 से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 तक का दिखाया है, पूरा क्रोनिकल दिखाया है तीन जनरेशन का, और कुछ नहीं है इसमें। जो प्रिंस है एक रबी अफेयर करता है, इसके एक स्लम गर्ल होती है बॉम्बे की वहां पे, ठीक है। और ये जो प्रिंसली फैमिली है वो देवापुर की है, आपने इतना याद रखना है। गोल्डन हनी कॉम किसका है, कमला मार्कंडे का। प्लेजर सिटी पब्लिश एज ए शालीमार इन यूएसए, दो टाइटल हैं, एक यूएसए का टाइटल है और एक यहाँ का टाइटल है प्लेजर सिटी। अभी शालीमार नाम से हमारे को आगे वक्त नॉवल आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा राइटर हुआ है सलमान रश्दी, उसका भी है शालीमार द क्लाउन, वो जो कश्मीर में सेटिंग है उसकी पूरी की पूरी, ठीक है। एक जो आप पढ़ोगे मंगोलकर, मनोहर मंगोलकर, उनका भी नॉवल है शालीमार से। तो बेसिकली शालीमार मैं आपको बताऊं, ये जो मुगल गार्डन है ना वो है पूरे शालीमार। एक आपका श्रीनगर में देखने को मिलेगा, एक लाहौर में है, एक दिल्ली में है, तीन जगह है, यूनेस्को ने इन्हें हेरिटेज में भी इंक्लूड कर लिया था, तो उसी के ऊपर ये सारी कहानियां घूमती हैं, एक मनोहर मंगोलकर को छोड़ के, ठीक है। अभी देखो प्लेजर सिटी में क्या है, द रिसोर्ट है शालीमार आफ्टर एम्परर जहांगीर प्लेजर गार्डन, प्लेजर गार्डन है जहांगीर का, उसके बाद में एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं और शालीमार नाम का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हॉलीडे रिसोर्ट नियर ए फिशिंग विलेज, और चेयरमैन और डायरेक्टर क्या वो कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो सारे इंडियंस होते हैं, ठीक है। सेम सही चीज है जैसे कोफर डैम में हमने देखा। मार्कंडे ग्लोरीफाई द पॉसिबिलिटी ऑफ जिन्यून रेस रिलेशन एज सीन इन द टू फ्रेंड रिकी, जो ऑर्फन होता है, और टूली, ये दो फ्रेंड होते हैं, इनमें आपस में दोस्ती भी दिखाई जाती है। और जो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में थोड़ी सी फ्रेंडशिप दिखाई गई है आपके, रेसिस में ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अच्छी एक पॉजिटिव वे में दिखाया है इसको, प्लेजर सिटी में एक पॉजिटिव वे में ब्रिटिशर्स को और इंडियन को दिखाया है कमला मार्कंडे ने। इनका जो लास्ट नॉवल है वो बॉम्बे टाइगर, ठीक है, याद रखना है। इसमें इसमें प्रेटेगरिस्ट आप पढ़ेंगे गांगुली, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बॉम्बे में आते हैं, और उनका कैसे एकदम से राइज होता है, कैसे फॉल होता है, एक बड़ा आदमी बनता है, एक फिर उसका पतन फॉल होता है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन फिक्शन में गांगुली का बड़ा नाम है, याद रखना है आपने। बॉम्बे टाइगर में पोस्टमसली पब्लिश हुआ था, और इसकी जो डॉटर थी वो किम ओलिवर ने पब्लिश किया था। अभी देखो पजेशन ए नोवल रिटन बाय कमला मार्कंडे, यहाँ पे पजेशन ए रोमांस इसका सबटाइटल भी पूछा गया है, ठीक है। 1990 में किसके द्वारा पब्लिश हुआ ये, ए एस बयाट के द्वारा, इसका राइटर कौन है, ए एस बयाट, जिसको बुकर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इसी ईयर में। और बेसिकली हम मानते हैं कि ये रेस्पॉन्स है जॉन फॉल का, एक नॉवल है फॉल्स का, वो है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन, इसका रेस्पॉन्स में ये लिखा हुआ था, ठीक है। और पजेशन ए रोमांस से यहां से मतलब है, एक तो क्रिस्टिना रसूटी जो हम विक्टोरियन में पढ़ते हैं, और एक लॉर्ड टेनिसन वो भी विक्टोरियन में हम पढ़ते हैं, ये दो पोइट का ये बात करता है कि अपनी जो भी राइटिंग है इन राइटर्स ने लिखी हैं उनके ऊपर कितना हक रखते हैं, उस तरह की ये बातें बताता है, नेट का क्वेश्चन है याद रखना है। फिर देखो हमने नोवल पढ़ा है बॉम्बे टाइगर, तो टाइगर्स डॉटर एक है वर्क, क्या नाम है, टाइगर्स डॉटर, ये किसने लिखा है, भारती मुखर्जी ने। तो आपने याद रखना है बॉम्बे टाइगर इज रिटन बाई कमला मार्कंडे एंड टाइगर्स डॉटर इज रिटन बाई भारती मुखर्जी। भारती मुखर्जी भी क्या है, डायस्पोरिक राइटर है, अमेरिकन कैनेडियन इंडियन राइटर, ठीक है। अभी भारती मुखर्जी का एक वर्क पूरा आपने याद रखना है, डिजायरेबल डॉटर्स, डिजायरेबल डॉटर्स। और डिफिकल्ट डॉटर किसने लिखा है, मंजू कपूर ने लिखा है, जो जिसको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये जो सिमिलर टाइटल हैं आपको डिफ्रेंशिएट करके ही पढ़ना है, इंडियन राइटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, राइट। आगे देखो जो शालीमार वाला मैं बता रहा था वो सारी चीजें यही हैं, और
सेलमन रस्ती का आप देख रहे हो, शालीमार द क्लाउन सेलमन रस्ती ने लिखा ही है, शालीमार द मनोहर मंगोलकर। ठीक है, ये अडेप्टेशन है, फिल्म से अडोप्ट किया है, ध्यान रखना, इससे फिल्म अडोप्ट नहीं है, फिल्म से इसने अडोप्ट किया है, मनोहर मंगोलकर ने, जो आज क्विज का टॉपिक भी है। आप लोग आ ही रहे हैं डेली 7 बजे। अभी देखते हैं जो डायस्पोरिक राइटर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम जो होने वाली है अक्टूबर में, उनमें डायस्पोरिक का एक आपको एंट्री दिया हुआ है, ठीक है, पेपर 2 में, डायस्पोरिक में। तो आपको सिर्फ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डायस्पोरिक राइटर करने हैं, उसका मैं लिस्ट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। शुरू वाले राइटर हैं सारे विमेन राइटर्स हैं, जैसे भारती मुखर्जी, ये भी डायस्पोरिक है, चित्रा बनर्जी, इल्यूशन ऑफ पैलेस, बड़ा इंपॉर्टेंट राइटिंग है जिसमें द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताई गई है। ठीक है, झुम्पा लहरी, कमला मार्कंडे हमने पढ़ ही लिया है, कमला चिमाता, किरण देसाई, अनीता नायर, हिमा नायर, अनीता देसाई 2 बार आ गया है, अमीन मीर, मीरा एस श्याल है ये, SAYAL श्याल, मीना अलेक्जेंडर, अंजना अपचना, राधिका नूरी, पुदी पेदू, शिशु शर्मा, सोमा सुदेशना रेड्डी, अनीता राव बादामी, मंजुला पद्म नाभन, ये सारे इंडियन वीमेन राइटर हैं जो डायस्पोरिक में हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो आपने सिर्फ इन्हीं राइटर्स के ऊपर फोकस कर लो, आराम से RPSC में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा डायस्पोरिक वाली एंट्री में। इसके बाद में देखो, सुसाना सिंह बाल्डविन, VS नायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी, सलमान रश्दी का तो वर्क भी प्रेस्क्राइब्ड है इंडियन राजस्थान की जो भी मेजर यूनिवर्सिटीज में उसमें, ठीक है, इमेजिनरी होमलैंड इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके बाद में देखो, अमित चौधरी, विक्रम सेठ, ठीक है, अमिताव घोष, अरविंद अडिका, बुकर अवार्ड विनर है, शिव के कुमार हमने देख लिया है, भवानी भट्टाचार्य, रोहिंटन मिस्त्री और सुनेत्रा गुप्ता, ये सारे आपके डायस्पोरिक राइटर्स हैं, आप इनको डिटेल में करना है तो करना ही है, राइट। अभी हमने कमला मार्कंडे को जस्ट फिनिश कर दिया। एक छोटी सी बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, छोटी सी बात आप लोग के साथ एक शेयर ये करना चाहता हूँ कि अभी 7 बजे डेली क्विजेस हो रही हैं, लिटरेरी पैशन जो टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन और एन्जॉय द रीडिंग एंड गेट सक्सेस, ओके, टू द पॉइंट हमारी सारी चीज़ें चलती हैं, सारे PDFs वगैरह इंपॉर्टेंट जो भी हैं चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इवन बुक्स के भी मिल जाएंगे, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।